आपकी फेवरेट प्लेबैक सिंगर कौन है फीमेल? लता जी, जिनको मैं बचपन से सुन रही हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं इतने गाढ़े गाढ़े उनके गाने सुनती थी बचपन में, जब शायद मैं मुझे उसका उनका अर्थ भी इतना ज्यादा पता नहीं होता था, और मैं उतनी ही गहराई से वो गाने की कोशिश करती थी। आज मैं सोचती हूँ कि मैं ये गाने गाया करती थी। नमस्कार, मैं हूँ दुष्यंत और आप देख रहे हैं डीसी शो। हर बार की तरह हमारे साथ हैं इस बार एक और शख्सियत, लेकिन खास बात यह है कि वो है गुलाबी नगरी से, बेहद शानदार व्यक्तित्व की धनी, बहुत ही उम्दा गायिका, संगीत की गहरी समझ रखने वाली, बेहद खूबसूरत, द वन एंड ओनली शिल्पी मिश्रा जी। नमस्कार शिल्पी, आपका हार्दिक स्वागत है डीसी शो में। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, जो कलाकारों की सबसे बड़ी समस्या इस समय, ये जो महामारी का जो दौर जो पिछले पौने दो साल से चल रहा है, तो पिछले दौर में तो जो हुआ सो हुआ, हम लोगों ने जो भी किया जैसे भी किया, बट ये वाला भी जो दौर जो अब आप थोड़ा थोड़ा खुलने लगी है चीजें, जिंदगी धरने पे आने लगी है धीरे धीरे, उसमें शिल्पी मिश्रा जी ने क्या किया एज कलाकार या एज सिंगर? व्हाट शी डू इन बिटवीन ऑफ दिस टाइम, जबकि बाहर नहीं निकलना था या देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम? सच पूछे तो दुष्यंत जी, लास्ट ईयर मैंने जब लॉकडाउन लगा उसके बाद मैंने रियाज पे बहुत फोकस किया, खुद पे बहुत ध्यान दिया, और जैसा कि बाहर नहीं निकलना था तो उस पूरे टाइम को मैंने बहुत यूटिलाइज किया है, और मैंने लोगों की हेल्प बहुत करी, जैसे जितना भी मैं कर सकती थी फाइनेंशियली और एज पॉसिबल एज, और बस यही। तो ये तो पिछले लॉकडाउन की कहानी बताई आपने, अभी जो करंट जो ये जो लॉकडाउन लगा या हम लोगों का मूवमेंट जो कम हो गया, इसमें आपकी दिनचर्या क्या थी? दिनचर्या सुबह उठना, प्राणायाम, योगा, और उसके बाद रियाज, अपने रूटीन वर्क। व्हाट इज शिल्पी बैकग्राउंड एग्जैक्टली एज अ सिंगर, आपका बैकग्राउंड क्या है, संगीत से आपका लगाव कैसे हुआ, क्या ये कोई घराने से आते हैं आप या किसी परंपरा से आते हैं, या आपका शौक था, ये आपका बैकग्राउंड क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल भी म्यूजिकल नहीं है। सेम टू सेम, अच्छी बिल्कुल। और मेरी फैमिली में सारे एजुकेशनल फील्ड से जुड़े हुए हैं, और सिर्फ मैं म्यूजिक फील्ड से हूँ, जो शुरुआत में मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी रहा, और बाकी तो कोई दूर दूर तक म्यूजिक से नहीं। कैसे आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की संगीत के इस करियर में? बात उन दिनों की है जब मैं छोटी थी, और हम लोग कहीं फैमिली फंक्शन में या कहीं गैदरिंग में जाते थे, तो मैं शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा ऐसे गुनगुनाती थी, तो मेरे घर में मेरी सिस्टर वगैरह सब सुनते थे कि अरे इसकी तो आवाज़ अच्छी है, तो गाती है, अच्छा गाती, गा ले रही है, तो हम कहीं भी जाते थे तो शिल्पी गाएगी ऐसे गैदरिंग में या कुछ, तो सब प्रेस करते थे। तो ऐसे ही मन में ख्याल आया कि क्या मैं गा सकती हूँ, या लगता है मैं गा लूंगी, तो क्यों ना इसी फील्ड में कुछ करें। तो वो शुरुआत से ही मेरे मन में एज अ सिंगिंग एज अ सिंगर मुझे जो फ्रेज मिलने लग गई, और तो उसके उस तरफ मेरा मुझे तरीके से वो मेरे लिए मोटिवेशन था, मैं इंस्पायर इनकरेज हो रही थी, तो बस वहीं से शुरुआत हो गई। फिर कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना, और फिर धीरे धीरे मम्मी पापा का ध्यान उस तरफ जाना कि मेरे फैमिली में रिलेटिव्स में सब ने कहा कि इसकी आवाज़ अच्छी है, इसको ट्रेनिंग दिलवानी चाहिए, तो उस तरह से धीरे धीरे चीजें हुई। टिल आज तक के करियर में आपकी क्या क्या उपलब्धियां हैं एज अ सिंगर? आई एम टॉकिंग अबाउट द अवार्ड्स, कोई बड़े जो महोत्सव, प्लेबैक, तो क्या क्या उपलब्धियां हैं शिल्पी? हाँ, ऐसे मुझे जो याद है, मैंने मीरा महोत्सव में मुझे बुलाया गया, वहाँ पे मेरी प्रस्तुति हुई, वो क्षण मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, और मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं कृष्ण को बहुत मानती हूँ,
और जब मीरा महोत्सव के लिए मुझे मीरा टेम्पल में गाने का मौका मिला, तो आज भी मुझे याद है कि मैं वहां जब गा रही थी तो मेरे गूस बम्प्स, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। वहां का ऐसा ऐसा फील है वहां का। तो वहां पे जो मुझे सम्मानित किया गया वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मेरे खुशी की बात है मेरे लिए। और ऐसे बहुत से, जयपुर में भी काफी मुझे सम्मानित किया गया है, और अखिल भारतीय ये शिक्षा रत्न, मैं टीचिंग से भी जुड़ी हूँ। अच्छा, ओके। राजस्थान की जो धरती है वो बड़ी वीरों की धरती कही जाती है, जौहर की धरती है, लेकिन साथ ही वो कला की धरती भी है। बहुत बड़े बड़े कलाकार राजस्थान में संगीत और कला जगत को दिए हैं। आप गुलाबी, यू आर बिलोंग्स टू जयपुर ओनली, या आप रहने वाले कहाँ के हैं शिल्पी? मैं बिलोंग करती हूँ कानपुर यूपी से, उत्तर प्रदेश। और जी, जी और मेरी मेरी पोस्टिंग, मेरा जॉब यहाँ पे है, हुआ जयपुर में। मैं 10 साल से यहाँ हूँ। तो आप जहां जिस शहर में है, मैं जानता हूं उस शहर को, वो बहुत ज्यादा संगीत को समर्पित नहीं है, लेकिन उसके बगल से लखनऊ है, इलाहाबाद है जो घिरा हुआ, वो बहुत अच्छी जगह है संगीत के लोगों के लिए। बट बिल्कुल बिल्कुल, जब आप ऐसे एक जगह से जहां की बहुत संगीत के लिए बहुत कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है या कोई बहुत अच्छी ट्रेनिंग्स भी नहीं है, जो मेरा आई नो पर्सनली द फील ऑफ यू नो उत्तर प्रदेश का जो संगीत का जो है वो मुझे बहुत चीजें मालूम है। तो जब शिल्पी राजस्थान में आए, राजस्थान की जो गायकी है बहुत गंभीर गायकी है और बहुत ठोस गायकी है, और यहाँ पे लोग बहुत सिंसियरली गाते हैं, और यहाँ जो गाने वाले हैं बहुत उनके वोकल बहुत ऊंचे हैं, बहुत लाउड गाते हैं वो, तो जब शिल्पी जब यहाँ पे आई तो ऐस कलाकारा उनको क्या क्या कठिनाइयां हुई और उनको क्या फायदा हुआ ऐसी जगह पे आने का, वो मैं जानना चाहूंगा। हाँ, ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। जब मैं जयपुर आई तो जयपुर का जो गायन है बहुत ही डिफरेंट है, और ये आप जानते हैं कि पूरे इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में यहाँ की गायकी के लोग दीवाने हैं, और बहुत रेयर गायकी है। तो जब मैं वहाँ यहाँ आई तो मेरी तो ग्वालियर घराने की गायकी है, और मेरी मैं मेलोडियस उस तरह से मेरा सिंगिंग है। लाइट म्यूजिक आते हैं आप? हाँ, गीत गजल और बॉलीवुड जैसे भजन। तो यहाँ के लिए मैं एकदम डिफरेंट थी, तो लोगों ने मुझे प्यार किया, और इस बात की मैं बहुत भगवान के शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ के लोगों ने मुझे बहुत प्यार इज्जत दिया है, बहुत प्यार किया मुझे। मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ के लोग तो बहुत ऐसा गाते हैं और इतना ऊंचा रेंज है इनका, और तो बहुत बढ़िया गाते हैं। और यहाँ पे मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ के लोगों के बीच में मैंने थोड़ी सी अपनी एक पहचान बनाई। संगीत करियर का आपके, जब से आपने एक देखा जाए तो कमर्शियल तौर पे गाना शुरू किया या मंचीय प्रस्तुतियां देना शुरू किया, आपका सबसे शानदार लम्हा कौन सा है? देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि मैंने फलां स्टेज में गाया था और ऐसा वैसा, लेकिन मेरे लिए देखिए, सबसे मेरे लिए खुशनुमा और सबसे यादगार मेरा लम्हा है जब मैंने अपने गुरुजी के सामने अपनी पहली प्रस्तुति दी थी, और वो क्षण मुझे आज भी याद है। क्या गाया और आपने गुरु जी के सामने? गुरुजी के सामने मैंने अपने एक भजन गाया था, ओके। आपकी और फेवरेट प्लेबैक सिंगर कौन है फीमेल? लता जी जिनको मैं बचपन से सुन रही हूँ। लता जी क्यों, और बाकी देयर इज अ नंबर ऑफ सिंगर्स, तो लता जी में ऐसा क्या खास आपको लगता है? हाँ, नंबर ऑफ सिंगर्स और भी मुझे पसंद है, ऐसी बात नहीं है, लता लेकिन जी आपको खास बहुत है। पसंद है? हाँ, लता जी के गाने मैंने बचपन से सुने हैं, और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं इतने गाढ़े गाढ़े उनके गाने सुनती थी बचपन में, जब शायद मैं मुझे उसका उनका अर्थ भी इतना ज्यादा पता नहीं होता था, और मैं उतनी गहराई से वो गाने की कोशिश करती थी। आज मैं सोचती हूँ कि मैं ये गाने गाया करती थी। लता जी का गाना जो सबसे ज्यादा आपका फेवरेट है, उसकी दो लाइन आप गुनगुना के जरूर सुनाइए। घड़ियां नसीब
शिल्पी आपने आप गाते तो बहुत अच्छा हुई, बट गाते समय आप अपने फेस एक्सप्रेशन से जितनी मासूमियत से आप गाते हो और जो आपके एक्सप्रेशन होते हैं वो बड़ा जस्टिफाई करते हैं सॉन्ग को, लगता है कि कोई उस गाने को जी रहा है। ये आपकी गायकी में बहुत अच्छा लगता है। आपके बहुत सारे वीडियोज भी मैं देखता हूँ, आपके पोस्ट भी सोशल मीडिया पे। मैं दर्शकों को बोलना चाहूंगा, शिल्पी बहुत एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बाकी इन सब जगह पे, तो आप इनको पकड़ना चाहें तो ये बहुत आसानी से पकड़ में आ जाते हैं। तो आप फॉलो कर सकते हैं इनसे, अच्छे अच्छे गाने सुन सकते हैं, न्यूकमर्स इनसे सीख सकते हैं चीजें संगीत से रिलेटेड, क्योंकि एक पेशे से शिक्षिका भी है, तो सबका हक भी बनता है कि गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करें, तो आप इनसे सीख भी सकते हैं। शिल्पी आप मुझे बताओ, आप एक टीचिंग पेशे में आप किस सब्जेक्ट का आप प्रॉपरली स्पेशलिस्ट है? म्यूजिक। तो आपको कभी लगा कि एक अच्छी गायिका होने के नाते, क्योंकि हिंदुस्तान में ये बड़ा दुर्भाग्य है, 90% हो सकता है 95% भी हो, 95% जो संगीत के शिक्षक हैं स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, तो वो सुर का सा नहीं लगता होगा। ये बड़ा दुर्भाग्य है। मैं तो जितने से मिला उनका परसेंटेज बता रहा हूँ, बड़े बड़े वो सर्टिफिकेट लिए हुए, बट वो दे आर नथिंग। आप क्योंकि बहुत अच्छी गायिका हैं, मंचीय प्रस्तोता हैं, बहुत आपने एक अपनी जगह पैदा की है संगीत में, जयपुर के संगीत जगत में, तो आपको आम जीवन में या अपने सर्विस में बतौर संगीत एक जो साधिका है, आपको क्या प्रिविलेज मिलता है? आपको आपको कभी कभी लगता है कि नहीं, आप थोड़ा सा फेमस हैं, लोग जानते हैं, तो आपको उसका एक प्रिविलेज मिलता है आपको अपने आपको अपने काम में? बिल्कुल मिलता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जितना करते हैं ना, जितनी मेहनत करते हैं अपने काम, और आप अपने काम के लिए जितना डिवोटेड है, उतना आपको मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं फाइनली उतना ही मिलता है। वो अपनी जगह का, अपने मुकाम का आपको थोड़ा फायदा तो होता है, अपने सराउंडिंग्स का, अपने लिंक्स का, लेकिन वो स्टेबल थोड़ा कम होता है। अब तक की लाइफ का कोई ऐसा लम्हा जो एक कोई ऐसी कोई घटना है या कोई ऐसी कोई चीज घटी हो जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ, जहां पे आपको लगा हो कि वाह, सिंगर होने का ये मुझे प्रिविलेज मिला, तो मुझे ये चीज बड़ी आसान हो गई मेरे लिए, कुछ कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा इंसिडेंट? सिंगर होने के नाते मेरा सिंगिंग के अलावा तो कोई मेरा दूसरी सोच ही नहीं है, तो उसी दायरे में रह के ही मैं सोचती हूँ कि मैं सिंगर हूँ तो मैं इनसे मिल पाई वो मिला। तो जैसे जयपुर में हैं तो बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि विश्वमोहन भट्ट जी, पंडित विश्वमोहन भट्ट जी, अहमद हुसैन जी, उस्ताद अहमद हुसैन जी, इतने बड़े बड़े इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट यहाँ जयपुर में हैं, और मैं उनको मिल पाई, उन्हें देख पाई, उन्हें सुन पाई, बहुत ही मतलब जयपुर रहने के होने के नाते मुझे ये प्रिविलेज मिला कि मैं इतने करीब से उनको देख पाई, सुन पाई। जयपुर की एक अच्छी और एक बुरी बात, और कानपुर की जहाँ के आप रहने वाले हैं, एक अच्छी और बुरी बात मुझे बताइए।
ये तो आपने बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन नहीं, बहुत सिंपल सा है, पूछा मैं बहुत जरूर बता दूंगा। जयपुर की एक अच्छी है। बात जो आपको बहुत पसंद है, और एक बात जो आपको बहुत बुरी लगती है, हर इवन आदमी में भी बुराई या अच्छाई दोनों होती है, कोई भी संपूर्ण नहीं है। तो जयपुर का मुझे फूड बहुत पसंद है, मुझे खाना बहुत पसंद है, हालांकि मुझे मैं कम पचा पाती दाल वाली चूरमा, हाँ, अच्छा। लेकिन मुझे बहुत पसंद है यहाँ के मिर्ची बड़ा और प्याज की कचौरी, और जो कानपुर में बिल्कुल नहीं मिलती है। और जी जी कानपुर में, यहाँ जयपुर बहुत क्लीन है इन कंपैरिजन कानपुर टू कानपुर, तो बहुत मायने में अच्छा है। और जयपुर में कौन सी चीज जो आपको अच्छी नहीं लगती, क्या है जयपुर ये कहना मुश्किल होगा, मुझे तो बहुत अच्छा में? लगता है जयपुर की गर्मी। जयपुर की गर्मी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि हाँ जितनी जयपुर की गर्मी जितनी फेमस है ना लोगों में, उतनी है नहीं खराब यहाँ की गर्मी। क्यों? क्योंकि दिन में जो धूप है वो तो बहुत जलाने वाली है, लेकिन हम दिन में घर में रहते हैं ठंडा ये सुकून है कि घर में तो हमें राहत है, जी। लेकिन ऐसे ऐसे मैंने स्टेट्स देखे हैं जहां पे घर में भी राहत नहीं है, बाहर भी नहीं है। कानपुर की एक अच्छी बात और एक गड़बड़ बात बताओ। कानपुर में जबरदस्त गर्मी और जबरदस्त सर्दी पड़ती है, और ये चीज मुझे बहुत अखरती है। और अच्छी बात ये है कि स्वरूप नगर की चाट अच्छी लगती हाँ, क्या बात है, कद्दू के लड्डू अच्छे लगते हैं, स्वरूप नगर की चाट अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बात कही लगते आपने। अच्छा, मैं चाहूंगा शिल्पी आप अपनी मम्मा से जुड़ी हुई कोई अच्छी मेमोरी, स्वीट मेमोरी आप शेयर करें हमारे मेरी माँ, मैं बहुत लकी हूँ जो अभी मेरी माँ है मेरे साथ, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि सबकी माँ बहुत लॉन्ग टाइम तक उनके साथ रहें, क्योंकि माँ की जो ब्लेसिंग्स होती है ना वो बहुत ही प्रीशियस होती हैं। और मेरा आज तक, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, आज भी अगर मैं कोई स्पेशल वर्क करने जाती हूँ या कुछ मेरा इम्पोर्टेंट मोमेंट होता है तो मेरे साथ वो होती हैं तो भी, और अगर वो दूर होती हैं आप घर पे होती हैं तो मैं उनको फोन के जरिए बताती हूँ कि मम्मा ये मैं इस काम के लिए जा रही हूँ, तो वो तुरंत अपने मंदिर में जाके दीपक जलाती हैं आज भी। अगली बार इंटरव्यू करेंगे तो हम लोग खड़े होके करेंगे, तो पता लगेगा कितनी बड़ी हो गई हो तुम। ओके बचपन से लेके आज तक ये सिलसिला चल बहुत रहा है। जब मैं स्कूल जाती थी, अच्छी एग्जाम देने जाती थी, तो भी 7 बजे का एग्जाम होता था तो 7 बजे उनका दीपक जल जाता शिल्पी, बतौर सिंगर आपका क्या क्या अभी अपकमिंग से क्या क्या चीज आने वाली है? अभी मेरा एक सॉन्ग पे वर्क हो रहा है, तो आई होप कि वो किसी बड़ी कंपनी से रिलीज होगा, और पूरी कोशिश है ऐसे ही। अभी उसका रिकॉर्डिंग हो गया है, शूट होना है, अभी नेक्स्ट वीक होगा, तो आई होप कि सब अच्छा हो जाएगा। तो ओके ये मेरा बहुत ही टर्निंग पॉइंट होगा मेरी लाइफ का, ये सॉन्ग जो आने वाला है मेरा। तो आपके फेवरेट म्यूजिक कंपोजर कौन है? फेवरेट म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन जी हैं, जिनके गाने अनोइंगली मैं गाती रही हूँ बहुत, फिर मुझे जब थोड़ी समझ आई तो पता चला अरे मोस्ट ऑफ गाने मदन मोहन जी के। व्हाट इज योर ड्रीम एग्जैक्टली? शिल्पी मिश्रा का बतौर सिंगर ड्रीम क्या है, क्या उनका टारगेट है, क्या लक्ष्य है उनका? लक्ष्य तो मेरा है प्लेबैक सिंगिंग का, और मैं चाहती हूँ कि मैं मीठा गाऊं, सुंदर गाऊं, लोगों को अच्छा लगे, खुशी हो मेरा गाना सुनकर। क्या अंतर है स्टेज की मंची गायकी और प्लेबैक सिंगिंग में? आप स्टूडियो में भी गाते हो, आप मंच पे भी गाते हो, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो ये है कि जब हम मंच पे होते हैं तो हम डायरेक्टली ऑडियंस को फेस कर रहे होते हैं, ऑडियंस के रिएक्शन हमें मिल रहे होते हैं, और हमने कोई एक कंपोजिशन गाई तो हमें ऑडियंस के रिएक्शन से पता चल जाता है कि हाँ हमें अब नेक्स्ट क्या गाना है, और हमारा हमें हमें मनोबल भी बढ़ता है हमारा, और बहुत सारी चीजें होती हैं। और स्टूडियो में जब हम गाते हैं तो एक कंपोजर की एक पर्टिकुलर एक चीज होती है जो हमको गानी है, जो हम गाते हैं,
या अगर खुद की कंपोजिशन है तो वो हमको गानी है, जैसे हम चाहें वैसे गानी है। फिर वो जब आएगी मार्केट में तब पता चलेगा कि वो कितनी लोगों को पसंद आ रही। हालांकि मैं अब जो आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं आप कितनी परिपक्व हैं उस क्वेश्चन के लिए। क्रिटिसिज्म और एक अहम या अहंकार या फ्रस्ट्रेशन की वजह से एक बहुत बड़ी खाई क्रिएट हो गई, मेरा मानना है या मेरा जो एक्सपीरियंस है, एक अच्छे काम और अच्छे काम करने वालों के बीच में, या कहें कि जो अच्छे गाने वाले थे, अच्छे काम करने वाले थे, वो प्रॉपर समय पे प्रॉपर जगह पे पहुंचे नहीं तो शायद वो उस काम से मरहूम रह गए, उन्हें मिल नहीं पाया वो काम। लेकिन जब हम लोगों ने संगीत में थोड़ा सिंसियरिटी दिखा के शुरू किया तो हम लोग सुनते थे कि ये क्लासिकल सिंगर है, ये सेमी क्लासिकल है, ये लाइट है, ये फला है, ये, और बुक्स भी थी, देयर इज अ लॉट ऑफ बुक्स। मैं शिल्पी मिश्रा, क्योंकि समझदार गायिका है, मैं बहुत सम्मान करता हूँ आपका और बहुत अच्छी मित्रता भी है मेरी आपसे, हम लोग फेसबुक पे हमारी कभी कभी हलवाई हो जाती है महीने में एक या दो बार। मैं बहुत एक उस समझदार गायिका से सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब वो क्लासिकल गाते हैं, आप भी रियाज करते हैं घराने से, आपने शिक्षा ली है कई संगीत के गुरुओं से, तो आप बंदिशें आपको मिलती हैं, आपको सरगम मिलती हैं, उतराव चढ़ाव ठाट ये सब दिया जाता है, तो जो बंदिश आप गा रहे हो और आप उसे सरगम में अलग अलग स्वरों में गा रहे हो, सप्तक में अलग अलग में गा रहे हो आप, अगर मैं वही अगर आपको एक फिल्मी गाना नॉर्मल और अगर मैं आपको स्वरों में लिख के दे दूं, अगर मैं इसी में आपको लिख के दे दूं, तो उस गाने को फिर आप क्या कहोगे, क्लासिकल कहोगे सेमी, अगर हम उसमें से बोल हटाते हैं, उसे अगर हम सरगम में ही लिख दें और बोले कि ये आपको गाना है, तो वो गाने की बजाय रियाज हो जाएगा, या आपको उसे आकार में गाना है उसको, तो फिर वहां उसे हम क्या कहेंगे, उसको उसको क्लासिकल कहेंगे या सेमी क्लासिकल कहेंगे। और अगर कोई गा रहा है उस गाने को, एक शब्द दे दिया हमने, गीत या गजल में ढाल दिया उसको, शब्दों में ढाल दिया गाया, तो फिर कहते हैं कि क्लासिकल नहीं गाया। तो ये जो माया जाल है हमारे संगीत जगत का, उसको आप किस नजर से देखते हैं, और क्या कारण रहा कि इतने बड़े बड़े दिग्गज जो शास्त्रीय संगीत गाते थे वो कभी भी एक एरा से बढ़ के आगे कुछ जा ही नहीं पाए, उनको उतना तिलिस्मी जो जो दुनिया है हमारी, जो मायावी दुनिया, उसमें एंटर ही नहीं हो पाए वो, और एक जगह चले गए, उनके ना आज रिकॉर्ड्स हैं ना कुछ है। तो आप इसको एक एक बतौर एक नवोदित गायिका, आप इसे किस नजर से देखते हो, ये क्या है, ये क्लासिकल सेमी क्लासिकल लाइट ये सब, व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, और अगर ये अलग अलग है तो फिर सुरों का कहाँ पे स्थान है? देखिए मैं, मेरी जितनी समझ है उस समझ से के हिसाब से मैं जवाब दूंगी, बाकी पता नहीं लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि नहीं। कि शास्त्रीय संगीत का अपना एक स्थान है गायकी में, संगीत में, ये सभी जानते हैं, लेकिन हमें बहुत रिजिड नहीं होना चाहिए कि जैसे कि हम किसी चीज के पीछे पड़ जाते हैं। जब तो जैसे मैंने सुना है कि अगर आप चाहेंगे कि आपको आप शांति मिल जाए, आपको शांति मिल जाए, लेकिन शांति आपसे दूर भागे, आप जितना किसी चीज के पीछे पड़ेंगे, आप चाहेंगे कि इंडस्ट्री में शास्त्रीय संगीत को स्थान मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, तो ये भी एक वजह है शायद, क्यों ना उस तरीके की कंपोजिशंस क्रिएट की जाए। और किस तरीके की, मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे, किस कंपोजिशन में सात सुर नहीं होते, जो कंपोजिशन हो रही है, आप कंपोजिशन आप ये बोल सकते हैं बड़ा कठिन है या ये सरल है, बट है तो सात ही सुर उसमें, आप कोई कंपोजिशन बनाओ, तो ये क्लासिफिकेशन कहां तक जस्टिफाई है कि वो फलाना ऐसे गाता है, वो शास्त्रीय संगीत के दिग्गज हैं, या तो मैं इस तिलिस्म को और इसका जवाब बहुत बड़े बड़े दिग्गज नहीं दे पाए मेरे साथ बैठ के, बट मैं एक नए सिंगर से जानना चाहता हूं कि आप ये जो आभासी एक दुनिया बना रखी है जिसके जिसका के पुरस्कार कभी भी किसी को प्राप्त नहीं हुआ, केवल बातों में ही सिमट के रह जाती है और कहीं ना कहीं क्वालिटी वर्क छूट जाता है उसमें, और कई नए सिंगर्स तो इस बेचारे तिलिस्म ही फंस जाते हैं, वो काम ही नहीं कर पाते और उनका एक समय निकल जाता है तो उनको पता लगता है अरे मैं कहां मर गया फालतू। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि शिल्पी के एक एक नए सिंगर के क्या उद्गार है इसमें कि जो बोलते हैं कि शास्त्रीय संगीत, फिर सेमी क्लासिकल और उपशास्त्रीय, फिर अब
लाइट वोकल, बट आप गा तो सात सुरों में ही रहे, तो आप एज एन अ सिंगर इसको कैसे देखती हैं? क्या आप इस चीज का समर्थन करते हैं, या आप एज सिंगर इसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप भी इस दौर से गुजरे हैं क्या, तो आपने क्या खोया क्या पाया? मैं उस पर आपका एक एक सार सुनना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से तो देखिए, क्लासिकल म्यूजिक से तो कोई भी संगीत अछूता नहीं है। क्लासिकल म्यूजिक उसमें समाया है, उसको तो हम अलग कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ जो लोग हैं, कुछ जो मतलब हमारे दिग्गज लोग हैं, उन्होंने अपनी एक या तो कह लीजिए दायरा बना ली, जी परंपरा या परिपाटी बना ली, उन्होंने परिपाटी बना ली, दायरा बना लिया कि ऐसा ही होता है, ऐसा होना चाहिए। तो वो क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी? और जो हमारे आज के आर्टिस्ट हैं वो ऐसा नहीं है, अगर उन्हें थोड़ी से मोटिवेशन मिले तो वो बहुत इतना अच्छा सुंदर काम कर रहे हैं। और तो जरूर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, मैं इस बार से थोड़ा कम सही। ओके शिल्पी, क्योंकि एक सिंगर से बात कर रहे हैं, मैं चाहूंगा दो लाइनें और कुछ, आप अपने मन का, आप कृष्ण की बहुत डिवोटी हैं, तो मैं चाहूंगा कोई कृष्ण भजन आप हमें सुनाइए। कृष्णा गोविंद गोपाला, हरे कृष्णा गोविंद गोपाला, हरे कृष्णा गोविंद गोपाला, हरे कृष्णा गोविंद मुरली मनोहर, गोविंद गोविंद गोपाला। देवी की नंदन गोपाला, नवनीत छोरा गोपाला, हरे कृष्णा गोविंद मुरली मनोहर, गोकुलनंदन गोपाला, हरि गोविंद गोविंद गोपाला। दोस्तों ये थी शिल्पी मिश्रा, एक बहुत ही खूबसूरत गायिका, एक बहुत ही अध्यात्म को जीने वाली गायिका, और एक बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व, जिसके छोटे छोटे से लेकिन बड़े जबरदस्त सपने हैं। बहुत अच्छा इनकी मेहनत है, बहुत अच्छा इनका रियाज है, और ये धीरे 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 अपनी यात्रा को कंटिन्यू करते जा रहे हैं। हमारी विशेष शिल्पी आपके लिए कि आप जो चाहते हैं वो आपको ईश्वर कृपा से, आपकी मेहनत से आपको प्राप्त हो। और दोस्तों मैं एक बार फिर आपसे बोलता हूँ, आप शिल्पी को फॉलो कर सकते हैं, आप इनको पकड़ सकते हैं, डिजिटल वर्ल्ड में बहुत मजबूती के साथ रहती हैं और पूरे सबके सवालों के जवाब देते हैं, आप इनसे सीख भी सकते हैं और आप इनको सिखा भी सकते हैं। सो थैंक यू शिल्पी, और दोस्तों अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक और शो में किसी एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डीसी शो।